हेलो, वेलकम बैक टू माय फैजी क्लासेस एंड दिस इज योर सईद फैजी। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई एडवांस टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसका यूज हमारी लाइफ में डेली होता है। वो टॉपिक है फार फियर ऑफ। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि फार फियर ऑफ का यूज स्पोकन इंग्लिश या रिटन में कब और कैसे करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हमारे चैनल पर प्रपोजिशन, कंजक्शंस, मोडाल्स या एडवांस ग्रामर टॉपिक की सभी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको सभी टॉपिक बारीकी से पढ़ाया जाएगा। सो प्रपोजिशन, कंजक्शंस में जितनी भी टॉपिक है, आपको डिटेल्स में हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सो अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नेक्स्ट वीडियो से आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को लर्न करते रहें। सो गाइस, आइए इसकी डेफिनेशन और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि इस टॉपिक का हिंदी में क्या अर्थ होता है। चलिए तब आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, फार फियर ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है कि डर से या के डर की वजह से। आइए इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, फॉर फियर ऑफ का यूज़ इंग्लिश में हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से डर कर कोई काम करता है, ठीक है, ऐसा बताने के लिए, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर फियर ऑफ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है कि वह एक्सीडेंट की डर से बाइक नहीं चलाता है, वह पापा के डर से अच्छे से पढ़ाई करता है। तो कोई व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति से डर कर कोई काम करे, तब वहाँ पर आप यूज़ करना है फॉर फियर ऑफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंटेंस, यानी सेंटेंस जिस टेंस का रहेगा उसमें आपको पुटअप कर देना है, एंड प्लस आपको होगा फार फियर ऑफ। उसके बाद आपको दिखाना है किस पर काम रहा है, नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है, जिस पर होगा उसको आपको दिखा देंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह एक्सीडेंट की डर से बाइक नहीं चलाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वह ही, उसके बाद आपको देखना है ये कौन टेंस में है, ये जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बना देंगे ही डज नॉट। ओके, ही डज नॉट, अब क्या यहाँ पे काम हो रहा है, काम हो रहा है आपका राइड द बाइक, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करना है, गौर ये करना है कि आप जिससे डर रहे हैं, ठीक है, उसी को आपको दिखाना होगा। किससे डर रहे हैं, एक्सीडेंट के डर से, तो आप दिखा देंगे फॉर फियर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा फॉर फियर ऑफ एक्सीडेंट, हो गया, बहुत सिंपल है। दोस्तों, सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि अगर हिंदी वाक्य के अंदर राइट इस तरह का हिंदी आ जाए कि डर से या फिर के डर की वजह से, तब वहां पे आपको पुट अप कर देना होगा फार फियर ऑफ। गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वह पापा के डर से अच्छे से पढ़ाई करता है। वह कैसे पढ़ाई करता है, डर की, किससे डर से, पापा की डर से। तो पहले लिखेंगे आप ही, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करता है, तो लिख देंगे ही स्टडीज वेल, ठीक है, ही स्टडीज वेल। अब क्या है, पापा की डर से, तो लिख देंगे फॉर फियर ऑफ डैड, ठीक है, फॉर फियर ऑफ डैड। तो आपका पूरा वाक्य बना, सेंटेंस बना, ही स्टडीज वेल फॉर फियर ऑफ डैड, कि वह पापा की डर से अच्छे से पढ़ाई करता है, क्लियर है। चलिए आज का लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, चोर पुलिस के डर से भाग गया, ठीक है, तो आप कर देंगे थीव्स, भाग गया कौन टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे रन अवे, ओके, थीव्स रन अवे, और पुलिस के डर से, तो लिख देंगे फॉर फियर ऑफ पुलिस। सो दोस्तों, आपका सेंटेंस बना थीव्स रन अवे फॉर फियर ऑफ पुलिस, कि चोर पुलिस के डर से भाग गया। सो गाइस, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, जब भी किसी वाक्य के अंदर की डर से या फिर के डर की वजह से, ठीक, ऐसा आ जाएगा, तो वहां पे आपको नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या करना होगा, फॉर फियर ऑफ का यूज कर देना होगा। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए
नाइस डे।